वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। फिर आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, दार्जिलिंग बी कीपिंग में आप लोगों को हमेशा मैं बी कीपिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देते आ रहा हूँ। तो ऐसे ही आज फिर इस साल के मेरे सबसे पहले मधुमक्खी, जो इस बार मेरे को सबसे पहले मिला हुआ मधुमक्खी है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो अभी भी मैं यहाँ पर आया हूँ, ये आप देख सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पहाड़ी मधुमक्खी के बारे में आप लोगों को वीडियो देता रहा हूँ, तो आज ये अभी जो नया स्वरम जो हमको मिला हुआ है, तो ये अभी मैं पकड़ के, यहाँ पर मेरा एक बक्सा है जो आप लोग देख सकते हो, इसमें मैं पकड़ के इसको अभी इसके नए बक्से में मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा। तो वैसे जो ये पहाड़ी इलाका में जो मिलता है ये मधुमक्खियाँ, तो इसे एपिस सेरेना कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि इसको पकड़ के बक्से में डाल के इसके नए बक्से में डालूंगा। सो जितने भी नया व्यूअर्स हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में रहे हुए बेल आइकन को क्लिक करें, जबकि आप लोगों को नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, अभी इसे पकड़ने से पहले थोड़ा बहुत अपने को प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, तो अभी ये हेड में लगा रहा हूँ। वैसे ही साथ में अपने ग्लव्स भी मैं लगा लिया हूँ। तो अभी मैं इसको पकड़ने के लिए शुरू कर रहा हूँ, तो सो आप लोग वीडियो को एंजॉय करें। टिभी हेर्छ होला हौ। सजिलो रहेछ नि, झुलाइसँग उठाइ गर्नु पर्दैन रहेछ, केही गर्नु परेन रहेछ, इजी रहेछ नि, अलग पो रहेछ। त देखिए दोस्तों, ये तो बहुत आसान हो गया इसको पकड़ने के लिए, अभी कोई तकलीफ नहीं इसमें। आप लोग देख सकते हो इसका, ये जो एक ये पहाड़ी इलाका में जब क्या बोलता है इसलिए, तो के पो भन्छ, लुंगदर, लुंगदर बोलता है ना, तो वो लुंगदर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसमें बैठा हुआ है। तो आप लोग आराम से देख सकते हो इसको, ये लुंगदर का एक भाग है जो ऊपर सिर में होता है इसका, तो इसमें अभी बैठा हुआ है। तो बहुत मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इतना बढ़िया, मतलब एक अच्छे चीज में मधुमक्खिया के बैठा हुआ है, जिसे हम लोग एक पूजा के रूप में हम लोग यूज करते हैं इसे लुंगदार में, तो इसमें आके बैठा हुआ है। तो अभी इसको मैं एक झटके में अपने बक्से में डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। तो मैं अब यहाँ पर रानी आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी ये सब एक झुंड होके बैठा हुआ है, तो इसको मैं एक ही झटके में वहाँ पर डालूंगा बक्से में, तो मैं रानी को नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो आप लोग जो भी नया व्यूअर्स हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा, और साइड में रहे हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जबकि आपको नया वीडियो मिलते रहेगा। तो इसको अभी मैं एक ही झटके में इसमें इसके ऊपर मधुमक्खी को डाल रहा हूँ। Thank you.
अभी मधुमक्खी पूरे बक्से के अंदर चला गया है, तो मैं अभी इसको ये ट्रे डाल दे रहा हूँ जिसमें ये मधुमक्खी बैठेगा। ये जो मेरा बी कीपिंग बॉक्स है, ये 5 ट्रे का बक्सा है। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ से ये लोग आना जाना शुरू कर दिया है। अब इसको मैं ढकूंगा। तो अभी इसको इससे ढक के रखेंगे। और थोड़ी देर के लिए इसको इधर रख देंगे और जितनी भी बाहर गया हुआ मधुमक्खी है ये वापस आ जाएगा और यहाँ से एंट्री करेगा। उसके बाद इसको पकड़ के हम घर ले जाके दूसरे बक्से में डालेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी नया व्यूअर्स हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।